ओके, तो इसमें सबसे पहले तो जो डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। पी एक्स जो है वो बताया है कि अगर हम 99 बार जो कॉइन है उसको टॉस करते हैं तो उसमें एक्स टाइम्स हेड आ जाए। जैसे P1 का क्या मतलब होगा, 99 में से सिर्फ एक ही बार हेड आए इसका चांस क्या है। P2 क्या होगा, 99 बार हमने टॉस किया उसमें से सिर्फ दो ही बार हेड आया इसका चांस क्या होगा। ऐसे PX इन्होंने डिफाइन किया। हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये PX इक्वल टू R इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। जैसे 99 बार आपने टॉस किया उसमें से एक ही बार हेड आया इसका चांस बहुत कम है। दो बार हेड आए शायद थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, तीन बार हेड आए और थोड़ा इंप्रूव हुआ, या हम ऐसा सोचे 99 में 99 बार ही हेड आ जाए इसका चांस भी बहुत कम है। तो हमसे पूछा है कि क्या ऐसा नंबर है जिससे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि चांस कितना होगा वो मैक्सिमाइज हो जाए। हमने एक्स इक्वल टू आर के लिए ही लिखा कि भाई एग्जैक्टली आर बार हेड आ जाए। तो एग्जैक्टली आर बार हेड कैसे आ सकता है, आउट ऑफ दोज 99 टॉसेस हमने आर को सिलेक्ट किया 99 सी आर, उसमें सक्सेस आ जाए या हेड कह सकते हैं उसके आने का चांस 1/2, और फेलियर यानी हेड ना आने का चांस भी 1/2, 99 माइनस आर। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि सक्सेस का भी चांस 1/2 है, फेलियर का भी चांस 1/2 है। ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 99 सी आर और हाफ की पावर 99। अब ये क्वांटिटी जो है वो फिक्स है, ये वेरिएबल ही नहीं है। अगर यहां पर 1/3 होता, यहां पर 2/3 होता तो फिर ये ऐसे मर्ज नहीं हो पाते, हाफ की पावर 99 नहीं हम लिख पाते। अगर ये 1/3 होता, ये 2/3 होता तो हमें एक बाइनोमियल लिखनी पड़ती जिसका हम न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म ढूंढते, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता प्रॉब्लम। लेकिन अभी बहुत सिंपल है, हाफ की पावर 99 ही आ गया। सिर्फ किसको मैक्सिमाइज करना है, 99 सी आर को। तो एन सी आर का तो मैक्सिमम हमें पता है वैल्यू कहाँ था, मैक्सिमम वैल्यू आती है हाफ पर। तो 99 का हाफ कितना हो जाएगा, 49.5। तो 49.5 तो ऑब्वियसली आर नहीं हो सकता, तो 49 होगा और 50 होगा, एक इधर और एक इधर। तो ये 99 सी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, 99 सी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है, हाफ हमने किया तो 49.5 आया था, तो एक तो यहाँ पर है और 99 सी 50 पर है, दोनों पर ही है। वैसे भी हम इसको वेरीफाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एन सी आर लिखा है तो दूसरा एन सी एन माइनस आर लिखा है। तो जो आर की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 49 एंड 50। यानी इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो 99 बार आपने अगर टॉस किया तो 49 हेड जाएंगे या 50 हेड जाएंगे इसका चांस सबसे ज्यादा है। तो हमसे फाइनली क्या पूछा है कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो 49 और 50 इनकी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी 99, ये आंसर हो जाएगा हमारा 99।